हुकूमत का मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने से रोकने का फैसला। वफाकी काबीना ने मरियम नवाज का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौकफ पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौकफ पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मौतली के बाद मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में ECL से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने और नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त 15 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर चुकी है।